दरवाजे का निर्माण करा था, जिससे लोगों को लगता कि हाँ हम ऐतिहासिक नगरी कांच नगरी फिरोजाबाद में एंटर कर रहे हैं जी। कि जैसे ही फिरोजाबाद के अंदर एंटर व्यक्ति होता है, जिया नगर निगम की सीमा है जी, वहाँ पर ऐसा भव्य दरवाजे का निर्माण करा था, एक भी काम स्मार्ट सिटी वाला दिखा दीजिए। जैसा कूड़ा डला रहता था वो आज भी डला रहता है। अटल पार्क के लिए अलॉट की गई है जी, वो हकीकत में अटल पार्क के लिए है ही नहीं, वो तो कोविड-19 के टाइम पर राजनीतिक लोग अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके के नाटक करते रहते हैं। लोकल सरकार है, वो खुद नहीं चाहती कि चुनाव हो। राजनीतिक लोग अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके के नाटक करते रहते हैं। सिंगल रोड ऐसा दिखा दीजिए जो विदाउट गड्ढा हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से क्या एक स्पेशल सीरीज हमारा नेता कैसा हूं मैं। दोस्तों आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे मेहमान के रूप में श्रीमान बबलू गोल्डी जी। बबलू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बबलू गोल्डी जी वैसे एडवोकेट हैं और समाज सेवी भी हैं, कई बार चुनाव लड़कर जनता की सेवा की है उन्होंने। जीत हार तो लगी रहती है, फिलहाल इस चुनाव में आप खड़े नहीं हो रहे हैं, कोई विशेष कारण? देखिए जो अभी चुनाव है, जो प्रक्रिया है, उसमें अभी हाईकोर्ट ने काफ़ी समय से विवाद चला रहा है, उसके बाद में जो लोकल सरकार है वो खुद नहीं चाहती कि चुनाव हो। तो वो जब समय आएगा या स्थितियां बनेंगी तब का तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल में अभी कोई चुनाव लड़ने की स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि समाज के कई बुद्धिजीवी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, अगर उनको टिकट मिलता है। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि समाज को किस तरीके से आगे लाया जाए राजनीतिक क्षेत्र में जी। तो जैसे समाज में हमारे कई लोग हैं जो अन्य अन्य पार्टियों से तैयारी कर रहे हैं और लगभग वो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारी टिकट फाइनल है, अगर उनमें से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो मेरा कोई मूड नहीं है चुनाव लड़ने का। अगर ये लगता है कि कोई चुनाव राठौर समाज का व्यक्ति नहीं लड़ता है तो मैं समाज को दिशा और उनका आशीर्वाद लेने के लिए फिर मैं सोचूंगा। ठीक है, चलिए अब मुद्दे पर आते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, हमारा नेता कैसा हो। पर हमारा नेता, हमारा शहर का जो प्रथम नागरिक है, जो महापौर है, वो कैसा होना चाहिए? देखिए नेता समाज के प्रति व जनता के प्रति उसका संपूर्ण दायित्व ये होना चाहिए कि वो किस तरीके से जनता के बीच में जाकर अपने दुख सुख में शरीक होता है। लेकिन देखने को ये मिलता है कि जैसे ही राजनीति की और उनको एक मुकाम मिला तो उनको जनता ही जहर लगने लगती है और जनता से ही वो व्यवहार करने लगते हैं कि जनता को फिर उनसे मुंह मोड़ना पड़ता है। अगर अच्छा नेता हो और वो वाकई में ही सामाजिक तौर पर लोगों का काम करता है या जमीनी स्तर पर अपना काम करता है तो जनता या समाज उसके साथ रहेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जनता ऐसा हो जो जनता के प्रति 24 आवर्स भी रूबरू रहे और जनता का सहयोग करता रहे, जो जनता की मांगे वो पूरी करते रहे। ठीक है, नगर निगम फिरोजाबाद चूंकि पहली बार था इस बार और अब दूसरा सत्र होगा इसका, तो आपको क्या लगता है कि पहले सत्र में नगर निगम ने क्या कुछ अचीव किया है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अचीव करने वाली बात ये आती है कि केंद्र से लेके यूपी की सरकार तक और वर्तमान में मेयर भी भाजपा का होने के नाते 0% अचीव किया है। कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं है जिसमें ये श्रेय दिया जा सके कि महापौर द्वारा इस उपलब्धि को लाया गया और ये एक इतिहास है। नहीं है ना, देखिए स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद बन गया, स्मार्ट रोड फिरोजाबाद में बन रहा है, इतना सुंदर अटल पार्क फिरोजाबाद में दिया है नगर निगम ने, तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे नाली खड़ंजे ये सब तो है ही। मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी आपने एक बात कहा कि स्मार्ट सिटी बन गया जी, स्मार्ट सिटी की क्या कल्पना होती है, क्या परिकल्पना होती है जिससे कि उसको हम ये कहें कि ये स्मार्ट सिटी है? एक भी काम स्मार्ट सिटी वाला दिखा दीजिए। जैसा कूड़ा डला रहता था वो आज भी डला रहता है, जैसी स्थितियां अस्त व्यस्त थी वो आज भी है,
जैसे अभी आपने रोड की बात की, तो दूर दूर तक एक सिंगल रोड, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आप जाते रहते, एक सिंगल रोड ऐसा दिखा दीजिए जो विदाउट गड्ढा हो और वो स्मार्ट सिटी कर मतलब कहलाने लायक हो, एक रोड सिंगल दिखा दीजिए। दूसरी बात आती है कि अटल पार्क वाली बात। देखो अटल पार्क की सर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह जो जमीन अटल पार्क के लिए अलॉट की गई है जी, वो हकीकत में अटल पार्क के लिए है ही नहीं। अच्छा जी, क्योंकि उसको तो एक तरीके से सत्ता के उसमें, और उन्होंने अपने नेता को स्थापित करने की एक प्रक्रिया बनाई है वहां पर। हकीकत में जो के मूलभूत सुविधाएं फिरोजाबाद में मेडिकल लाइन की नहीं है, उनके लिए वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जबकि जिससे के लोगों को आगरा या कानपुर या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारी सुविधाएं यहाँ होती। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जाया जाए तो दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल में जाया जाए तो एक्सरे की मशीनें नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ पर जो अटल पार्क की जगह जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी को स्थापित किया गया है जी, उस जगह चिकित्सा के क्षेत्र में और डेवलप करने हेतु बिल्डिंगों का बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि पार्क के लिए हमारे यहाँ पूर्व में, क्योंकि फिरोजाबाद इतना डेवलप नहीं है अभी के जिसमें लोग जागरूक हों, पार्क में ज्यादा यानी मोड़ करते हैं। अच्छी बिल्डिंग भी बनाई गई, शौचालय का निर्माण किया गया, कोविड केयर का अलग से निर्माण किया गया है वहाँ पर, अलग से उसकी फैसिलिटी और सारी देख रेख के लिए, अभी मॉकड्रिल भी हुआ, तो वो सारी चीजें हैं। नहीं तो अच्छा एक बात बताइए, आपने तो मीडिया के थ्रू समय समय पे दिखाया है शौचालय में क्या सुविधाएं आज भी हैं, बच्चों के लिए ऑक्सीजन नहीं है, बच्चों के लिए टेस्ट करने ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन प्लांट इतना बड़ा लगा है। देखिए प्लांट लगा हुआ है, अब जाइए प्लांट की क्या स्थिति है, अब जाइए प्लांट की क्या स्थिति है। वो तो कोविड-19 के टाइम पर राजनीतिक लोग अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरीके के नाटक करते रहते हैं। बताइए क्या वो अभी भी संचालित है, नहीं। तो कुल मिला के ये तो सारे एक नाटकीय रूप है जनता को ठगने का और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का। जनता सब जानती है, जनता को ये पता है कि मूलभूत सुविधाएं हॉस्पिटल में नहीं है। एक निचले स्तर का जो आदमी है, जो बीमार बच्चे है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको मूलभूत दवाएं नहीं मिल रही है। आप जाइए तुरंत, अगर थोड़ा भी जरा सा भी बुखार उसको तीव्र हो तो तुरंत रेफर टू आगरा, तुरंत आगरा भेज देते हैं। तो बताइए अगर सुविधाएं सारी है तो आगरा क्यों जाता है आदमी हमारे यहाँ का, क्यों मतलब इमरजेंसी के लिए रेफर करते हैं। उसमें भी ये तो यहाँ से लिख देते हैं, लेकिन जब जो थोड़ा चाहता है कि हमारे लोग बचे रहे या हमारे लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले तो प्राइवेट के लिए जाते हैं, वो सरकारी में वहां भी नहीं जाते हैं। तो कुल मिला के सुविधाओं का समावेश होना चाहिए, ना कि इस तरीके की मतलब जो कार्य है उनको, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हमारा फिरोजाबाद डेवलप होता तो हम लोगों को आगरा और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए चिकित्सा का मामला बिल्कुल जीरो लेवल पर है। अभी आपने देखा होगा कि वो छात्र था अभी जी, शैलेंद्र, शैलेंद्र जो बेचारा शंखवार समाज से था, जिसके पिता और अन्य लोग काफी टाइम तक वहां पर धरना दिए, तो उनको न्याय मिलने के लिए बताइए इस देश में बाबा साहब के संविधान के बाद में भी लोगों को धरने देने पड़ते न्याय के लिए, दबंग लोगों के खिलाफ। मैं तो दबंग ही कहूंगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल मोदिया हैं संगीता अनेजा जी, जिनके खिलाफ धारा 306 का मुकदमा लिखा जाता है और उनकी अरेस्टिंग नहीं कर रही है पुलिस, क्या मजाक है। ट्रांसफर कर दिया गया उनका। देखिए ट्रांसफर करना तो एक, अब मैं आपको ट्रांसफर करना तो एक अपना पल्ला झाड़ना है जी। हकीकत तो यह है कि जब 306 का मुकदमा लिखा गया, 306 में जो कि हीनियस क्राइम है जिसमें आपको 10 ईयर्स पनिश है, क्यों नहीं अरेस्टिंग हो रही है अब तक, क्यों अरेस्टिंग नहीं हो रही है? क्योंकि उनके ऊपर सत्ता पक्ष के लोगों के हाथ लगे हैं, राजनीतिक लोगों की शरण है उनके पास, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उनको पकड़ ले। एक आम आदमी होता 306 के मुकदमे घर वाले के पुलिस के बाहर तोड़ देती, अब तक उनको निकाल के सबके उसके घर वालों को आधे दर्जन से ज्यादा थाने में बैठा ले रहती, दो दो तीन तीन दिन तक परेशान रखते, मुलजिम को मजबूरन ओवर कस्टडी देना पड़ता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। धरना देते वक्त 13 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई,
यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग अपने हक की, हम लोग अपने मतलब यानी दुखी है, अपना दुख भी जाहिर नहीं कर सकते, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। और जिस तरीके से लोगों के साथ एक दबंगई और एक अनैतिक रूप से व्यवहार किया जा रहा है, उसका आज नहीं तो कल जवाब तो देना पड़ेगा, जनता सब जानती है जी। चलिए, फिरोजाबाद में आप क्या कमियां देखते हैं कि एक महापौर को ये चीजें करनी चाहिए थी, पूरे 5 साल हो गए लेकिन उन्होंने नहीं की फिरोजाबाद के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 साल के अंतराल बहुत बड़ा होता है, और जो मेयर का पद है जी, वो लगभग 2 विधानसभा लगभग 3 विधानसभाओं से कनेक्टेड है जी, शुकावाद, फिरोजाबाद और टूंडला, तीनों क्षेत्र फिरोजाबाद के मेयर के अंडरटेकिंग आती है। क्या आपने ये देखा है कि कहीं भी ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ हो जिससे ये लगे कि हाँ ये नगर निगम द्वारा प्रेषित किया गया था, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा? एक सिंगल काम बता दीजिए मुझे, कोई आज तक काम नहीं हुआ। देखिए, नाली करंजा रोड एक 5-5 लोग यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, तो उनकी प्रक्रिया है, वो सरकार के यहाँ पर क्रम चक्र है, वो चलता रहता निधि द्वारा। पर्सनल मेयर पद के व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा इतिहास में नाम किया हो जिसमें फिरोजाबाद का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सके, एक सिंगल काम बता दीजिए मुझे। एक सिंगल काम ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि हाँ मेयर महोदया द्वारा ये कार्य किया गया है। आईटी में से इंस्टॉल किया है शहर में, हर चौराहे पर चप्पे चप्पे की आप निगरानी कर सकते हैं, वो मात्र जनता को परेशान करने के लिए है। आधे से ज्यादा कैमरे बंद मिलते हैं, कहीं रोड पर चालू है तो कहीं बंद है, पुलिस उसमें अपना दबंगी दिखा के अनैतिक रूप से चालान कर रही है, कोई भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आज तक नहीं आ पाया। आप बता दीजिए मुझे, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया हो, प्रत्येक चौराहे पर जहां हमको 10 मिनट लगती थी आज वहां 8 घंटे का समय लगता है। कुछ लोग अपने निकल रहे हैं, कुछ लोग ठड़े हैं जो कानून को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई कानून प्रक्रिया में उनका मतलब अपना एक ऐसा दबाव नहीं है जिसमें लोग उसको फॉलो कर सके। तो एक तरीके से ये तो जनता के पैसे का दुरुपयोग है, क्योंकि फिरोजाबाद अभी इतना डेवलप सिटी नहीं बना है कि इस चीजों की प्रक्रियाओं को लागू कर सके या उसका निर्वाह कर सके, तो इसलिए मेरी नजर में बिल्कुल बेकार है ये तो। ठीक है, फिरोजाबाद में आप क्या कमियां देखते हैं कि अगर आप महापौर बनते, सपोज आप, वैसे तो आप खड़े नहीं है लेकिन अगर आप इलेक्टेड होते और आप महापौर बनते तो क्या चीजें थी जो आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो मेरा अपना मानना है कि जैसे ही फिरोजाबाद के अंदर एंटर व्यक्ति होता है, जहां पर मेयर की या नगर निगम की सीमा है जी, वहां पर ऐसा भव्य दरवाजे का निर्माण कराता जिससे लोगों को लगता कि हाँ हम ऐतिहासिक नगरी, कांच नगरी फिरोजाबाद में एंटर कर रहे हैं जी। मैं जो पूर्व में इमारतें हैं उनका सौंदर्यीकरण कराता, जो नगर निगम की जो मार्केट है, जो कि नगर निगम बहुत बड़ी जगह में है, मतलब अभी वर्तमान में है जी, उस उक्त पूरे क्षेत्र को उन्हें नवीनीकरण कराकर वहां पे नए स्तर से एक समान एक जैसी बिल्डिंग का निर्माण कराता जी, जिससे कि फिरोजाबाद में एंटर करने के बाद में लोगों को अंदर ये संदेश जाता कि नगर निगम फिरोजाबाद की जो बिल्डिंग है वो एक अपने आप में ऐतिहासिक है। दूसरी बात, जो फिरोजाबाद में गड्ढे नाली खरंजे हैं उनको बाकायदा पटवाता जिससे कि लोगों को गंदगी का अंबार, गंदगी की स्थितियां महसूस नहीं होती और वो सुचारू रूप से लोग स्वच्छता में अपने आप में सांस लेते, और जिस तरीके से अनैतिक रूप से लोगों का पैसा लगाया जा रहा है अभी वर्तमान में कि जैसे टेम्पो स्टैंड बनाया गया जी, वहां एक सिंगल टेम्पो नहीं खड़ा होता, वाहन स्टैंड बनाया गया है वहां एक वाहन स्टैंड नहीं खड़ा होता, तो ये तो कुल मिला के ये सारी कमियां मेयर के शासन प्रशासन की है, उनके अधिकारियों की है, उनकी इतनी एक अपने आप में वो नहीं है, पैसा तो उन्होंने लगा दिया लेकिन उस रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो कराने वाले व्यक्ति नहीं है, या तो उनकी अपने आप में मेयर महोदया की ऐसी स्थिति है कि उनके डिपार्टमेंटरी लोग उनकी बात को नहीं मानते अध्यक्ष महोदया को जी।
तो कुल मिला के इन सारी चीजों पे मैं फोकस करता, और जहां तक कोशिश होती फिरोजाबादों के एक स्वच्छ और एक सुंदर विकल्प के रूप में मैं लोगों में ये संदेश देने का काम करता। जी, तो फिरोजाबाद नगर निगम है, क्या आपने जो सारी चीजें बताई 5 साल में ये सब कुछ कर पाना संभव था? जी बिल्कुल, क्योंकि नगर निगम में जो ग्रांट आती है वो अपने आप में MLA MP तक की भी नहीं आती। अच्छा जी, तो उसके पैसे का जो लोकल टैक्स भी आता है, भी आपने देखा होगा फिरोजाबाद में अभी एक नया टैक्स और लागू किया है, कूड़ा प्राइवेट कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है जी। तो उसमें प्रत्येक घर से एक टैक्स के अतिरिक्त भी पैसा जाता है, टैक्स के अतिरिक्त भी पैसा लेते हैं जो कि महीनादारी के रूप में लिया जाता है, 30 रुपए प्रति माह। उसके अकॉर्डिंग भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, अतिरिक्त बोझ तो आया लेकिन सुविधाएं तस की तस है, सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं आया जी। अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो नगर निगम को त्रिपाल लगाकर ढांकने का काम करना पड़ा, जबकि आप ये जानते हो नगर निगम में इतनी मूलभूत सुविधाएं होती हैं कि अगर रात में चाहे तो रात में फिरोजाबाद की दिशा और दशा दोनों ही बदली जा सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। फिरोजाबाद इतना कोई ज्यादा बड़ा क्षेत्र भी नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ। फिरोजाबाद में गिनती के 4-5 रोड है जो मेन हाईवे से जुड़े हुए हैं, और उनको अगर डेवलप सही तरीके से किया जाए तो उन रोडों पे, अब मैं आपको क्या बताऊं, मुख्यमंत्री जी आए थे तो जो पुल है जी सुभाष तराय से शुरू होता है आगे चल के और आपके फिरोजाबाद नहीं होंडा एजेंसी के पास, होंडा एजेंसी जी वहां पे वो डाउन होता है, वहां तक देखिए बीच में पहले बड़े वाले गमले रखे थे जी, जिनमें पेड़ों में जब जब पानी डाला जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो गमले उठा लिए गए और उनकी जगह छोटे लगा दिए गए, उनमें आधे गमलों में पौधे हैं, आधे गमलों में आज भी पौधे नहीं है। तो ये नगर निगम की ये कार्य प्रक्रिया है, ये कार्य शैली है, इससे साफ प्रतीत होता है कि ये नाटकीय रूपांतरण है, जब आए कोई नेता उनके तो उनको दिखा दो बाघ की सब जैसा का तैसा है, वैसा ही रहता है, कोई बदलाव नहीं होने का। अगर जब तक कोई इंसान बिल्कुल जनता के प्रति समर्पित नहीं आएगा तब तक नगर निगम की दिशा ऐसी ही रहेगी। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि पूर्व में भी स्थिति ऐसी रही और अब भी ऐसी है, कोई बदलाव है ही नहीं। आपने मुख्यमंत्री जी की बात की, मुख्यमंत्री जी अभी आए थे तो उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आप ट्रिपल इंजन की सरकार लेकर आइए। देखिए वो तो उनका अपना वक्तव्य है, क्योंकि जो सत्ता में विराजमान होता है तो वो तो अपनी अपनी कहते हैं, लेकिन जनता बदलाव चाहती है। क्या आपको लगता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और नगर में अगर भाजपा की ही सरकार रहेगी तो विकास कार्य अच्छे होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऐसा है, हमेशा कंपटीशन में लाभ होता है जी। जैसे मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे देने का काम किया जी, फिर माननीय अखिलेश जी की सरकार आई तो उन्होंने लखनऊ एक्सप्रेस देने का काम किया जी। कंपटीशन हुआ विकास के लिए, लेकिन जब एक पक्ष भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया। आप देख लीजिए बुंदेलखंड जाके उनके रोडों में बन नहीं पाया, उससे पहले उखड़ गया, मीडिया ने ही शो किया था जी, बन नहीं पाया उससे पहले उखड़ गया। तो एक पक्षी सरकार को, पूर्ण बहुमत की सरकार को कोई अंकुश लगाने वाला ही नहीं होता, तो वो अपनी मनमर्जी की तरीके से उनका, उनके विभागीय कर्मचारी, वह अधिकारी अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है जी। और जब विपक्ष मजबूत होता है तो फिर विधानसभा में उस बात को रखा जाता है और उसको जनता द्वारा शो किया जाता है, तो लोगों की छवि खराब होती है, तो वो उस तरीके से उसको गाइड करते हैं और उस पर बखूबी काम करने का काम करते हैं, लेकिन इनसे तो कुछ कोई कहने वाला ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण बहुमत सरकार है और जैसा चाहे तैसा कर रहे हैं और हर तरीके से लोगों को ठगने का हुआ उनको, मतलब यानी कि एक तरीके से गुमराह करने का काम किया जा रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी से कैंडिडेट्स जो हैं वो आवेदन कर रहे हैं। आपको, आप अगर उनको कोई सलाह दें कि नगर निगम में अगर वो आए तो इस तरीके से काम करें तो क्या सलाह होगी? देखिए मेरे जो भी भाई बंधु हैं, जो भी सामाजिक
और लोगों की सेवा करना चाहते हैं, वो अपने जिस तरीके से लगे हुए हैं, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि राजनीति की जो दिशा आपने पकड़ी है वो परोपकार वाली होनी चाहिए जी, ना के करप्शन वाली हो, क्योंकि जनता पहले से ही काफी ठगी हुई है और जनता का सुनने समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो आप अपनी छवि को लेकर आ रहे हैं, उस छवि को उस तरीके से जनता के फेस करना जिससे कि जनता को आपके प्रति या आपको जनता के प्रति किसी तरह की कोई पीड़ा ना हो और जनता के सेवा में सदैव आप लोग तात्पर रहे। मेरा तो बस इतना ही निवेदन है लोगों से जी। और जनता से जुड़े रहिए, क्योंकि जनता अगर ऊपर पहुंचाती है तो नीचे भी उतारने में उसको समय नहीं लगती है। जनता बहुत, मतलब जनता को भगवान का रूप दिया गया है नेताओं के लिए। अगर जनता जनार्दन अगर चाहता है तो हर्ष से फर्श पे ले आता है और फर्श से हर्ष पे ले आता है। तो मेरा निवेदन यही है कि जनता के प्रति रूबरू रहिए और जनता की हर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किए जिससे कि आप लोगों के भविष्य आगे भी उज्जवल रहे जी। और चलते चलते जनता को क्या संदेश या अपील करना चाहेंगे? मेरा तो अपने शहर फिरोजाबाद की जनता जनार्दन से एक ही निवेदन है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुने वो बहरुपिया ना हो, जनता के प्रति समर्पित हो और जनता की भावनाओं को समझकर जनता के बीच में रहे, ना कि मखौटा लगाकर। जनता के बीच में आए तो और बात करें और घर पर जाके उन लोगों को अलग तरीके से ट्रीट करें। ऐसे बहरुपियों को हमारे फिरोजाबाद की जनता को नहीं चाहिए। तो मेरा निवेदन है जनता जनार्दन से कि जो निर्णय लें मेयर को चुनने का, वो एक पाक साफ हो और अपने दिमाग से ऐसा हो जो आपके बीच में रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप गोल्डी जी, और आशा है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। बबलू गोल्डी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ में की इस चर्चा में। हमने बबलू गोल्डी जी से जाना कि नगर निगम में क्या क्या असुविधाएं उनके हिसाब से हैं, और उन्होंने जनता के लिए भी संदेश दिया, उन्होंने आने वाले महापौर को भी संदेश दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। आशा है आपको ये एपिसोड की ये चर्चाएं पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसे दूसरों के साथ शेयर करके इस जानकारी को आगे तक ज़रूर बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।